इस देश के गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का हक छीनने का काम, लूटने का काम किया है। कभी भी इनका विकास नहीं होने दिया है। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके उसे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को दिया है। 2010 के बाद से विशेष तौर से ममता बनर्जी सरकार ने जो घुसपैठियों के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए उनको रद्द करने का जो आदेश दिया है, उस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और तत्काल इस पर अमल में लाने की मांग भी करती है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने कहा है कि मैं हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगी, उनका यह बयान संविधान के विरुद्ध है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गरीबों का हक नहीं छीनने देगी, पिछड़ों का हक नहीं छीनने देगी, दलितों और आदिवासियों का हक नहीं छीनने देगी। ये भाजपा का संकल्प है, इसके लिए हम संघर्षरत हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में विशेष तौर से गरीबों के लिए, विशेष तौर से पिछड़ों के लिए, विशेष तौर से दलितों और आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए जितना काम हुआ है, इतना आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों के समय नहीं हुआ है। आज मैं अगर कहूं तो इस देश के बहुसंख्यक जो ओबीसी एससी एसटी हैं, उनके हितों की अब कोई उपेक्षा नहीं कर सकता, उनका अधिकार उनको मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। धन्यवाद। सर, एक सवाल ये है कि जो क्या लगता है बिठाने की कोशिश है मुस्लिमों, ये 2010 से ये डाका डाला जा रहा है और कांग्रेस की सरकार जैसे ही कर्नाटका में बनी उसने इसी प्रकार का खेल किया है। ओबीसी का आरक्षण छीन करके वहाँ मुस्लिमों को दिया और ममता बनर्जी जी की सरकार ने जो ओबीसी नहीं थे, घुसपैठिए थे, उनको ओबीसी का प्रमाण पत्र देकर के सरकारी नौकरियों में उनको अवसर देने का पाप किया है, अपराध किया है। और हाई कोर्ट के आदेश को ना मानने की बात कही है, ये बहुत गलत है, ये संविधान विरोधी बयान है, इसके खिलाफ कार्रवाई।